हे गाइस, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपनी वीडियो को स्मूथ स्लो मोशन कर सकते हो, क्योंकि स्लोमो तो और कोई कर लेता बट वो इतनी स्मूथ नहीं होती। तो उसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। मेरे को काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स और मेरे को DM आ रहे थे कि भाई कैसे आप वीडियो को इतना स्मूथ स्लो मोशन करते हो। अगर आपने इंस्टाग्राम मेरा नहीं देखा तो जाके चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 50K होने वाले भाई, फटाफट 50K करवा देना जाके। तो गाइस, करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको 60 FPS पे शूट करना है। आप अपने फ़ोन में जाओगे तो उसमें एक 60 FPS का ऑप्शन होगा, आपको उसमें जाके ऑन कर लेना उसको या क्लिक कर देना उस पर। अगर उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा कर लेना, बट आपको नॉर्मल इतने पे ही करना है, 60 से ही करना है, तभी आपकी वीडियो जो है और अच्छे से स्मूथ हो पाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ मैं, जहाँ से मुझे वीडियो लेनी है मैं वो सबसे पहले तो म्यूट करता हूँ। फिर जहाँ से मुझे वीडियो स्टार्ट करनी है मैं वो वहाँ से क्लिप को रख लेता हूँ। मुझे यहाँ से वीडियो स्टार्ट करनी है तो बाकी क्लिप को मैं स्प्लिट करके पीछे का डिलीट कर दूंगा सारा का सारा। तो गाइज, अब करते हैं म्यूज़िक को ऐड। मैं म्यूज़िक मेरे पर वीडियो में पड़ा हुआ है तो मैं उसको ओवरले पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को ऐड कर लूँगा। तो गाइज, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है स्लो मोशन करने का। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कट लगा करता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा ईजी और सही लगता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मुझे यहाँ से स्लो मोशन करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कट लगाऊँगा और पीछे की जो वीडियो है नॉर्मल पे जाके उसको 0.3x करके ओके कर दूंगा। तो पीछे की सारी वीडियो जो है वो स्लो मोशन हो चुकी है, मैं दिखा देता हूँ। अब मुझे आपको यहाँ से मुझे वीडियो फास्ट करनी है तो एक यहाँ पे कट लगाऊंगा और मैं पूरी वीडियो को नॉर्मल कर दूंगा जैसे पहले थी। अब मुझे एक यहाँ पे स्लो मोशन करना है, फिर मैं एक स्पीड करूँगा वापस से स्पीड पे जाके नॉर्मल पे जाके 0.3 पे क्लिक कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पे एक और लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद वापस से जाके नॉर्मल कर दूँगा। अब एक यहाँ पे कट लगाना है और यहाँ से जाके वापस से वही। मुझे वीडियो यहीं तक रखनी है बस, तो यहाँ पे जाके वापस से कट लगा के डिलीट, म्यूज़िक पे भी कट लगा के, सॉरी तो पूरा ही हो गया, म्यूज़िक पे भी कट लगा के डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। तो गाइस, वीडियो हमारी हो चुकी है स्लोमो, पूरी हमने वीडियो एडिट कर ली। आप अपने हिसाब से म्यूज़िक के हिसाब से आप अपनी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो, तो मैंने अपने म्यूज़िक के हिसाब से कर लिया है। अब क्या मेन क्या चीज़ है ये तो देखो गाइस, नॉर्मल स्लो मोशन हो चुकी है वीडियो, देखो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन आप देख सकते हो इस वीडियो में हल्का हल्का कहीं कहीं पे इतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ्रेम लैग सा हो रहा है, मतलब इतना अच्छे से स्लो मोशन नहीं हुआ। तो मेन अब करना क्या है आपको, जिस वीडियो पे आपने स्लो मोशन लगाया हुआ है जिस क्लिप पे, तो उस पर क्लिक करना है वापस, आपको वापस स्पीड पर जाना है। फिर नॉर्मल पर जाने के बाद ये मेक इट स्मूदर पर क्लिक करना है और बेटर क्वालिटी पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब ये ऐसे प्रोसेस होगा जब तक स्लो नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसी तो इस पे गाइस हो चुका है। फिर आपको क्या करना है कि वापस दूसरी वीडियो पे आना है, इस पर भी यही करना है। ऐसे ऐसे करके आपको जिस पे आपने स्लो मोशन किया हुआ है उन सारी क्लिपों पे आपको कर लेना है। तो गाइस, हमारा वीडियो फाइनल हो चुकी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। तो गाइस, कमेंट जरूर करना, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम उस पे वीडियो लेके आने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय।